हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं इलीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए अपडेट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी की वैकेंसियों की नोटिफिकेशन निकाली गई है और इस नोटिफिकेशन की सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ सबसे पहले अगर बात करें ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो थ्रू NATS पोर्टल भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 22/11/2021 से शुरू हो चुके हैं और आप इन अप्रेंटिस की वैकेंसियों के लिए 6/12/2021 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसमें सबसे पहले अगर बात करें कि किन स्ट्रीम के ग्रेजुएट अप्रेंटिस को यहाँ अपॉइंटमेंट दी जाएगी, तो उसमें वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कर रखी है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस या IT स्ट्रीम से, तो ऐसे सभी ग्रेजुएट इंजीनियर यहाँ इन सभी अप्रेंटिस की वैकेंसियों को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे आपकी एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ 25 साल रखी गई है और यहाँ जो क्रोशल डेट रखी गई है आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट को चेक करने के लिए, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जिस दिन से शुरू हो रही है वही तारीख रखी गई है, यानी कि 22/11/2021 इसी तारीख के अकॉर्डिंग कैंडिडेट की मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही एज लिमिट यहाँ पे चेक की जाएंगी। उसके अलावा यहाँ अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन भी बताया हुआ है, जिसमें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज लिमिट में SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट को, 3 साल का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के कैंडिडेट को और 10 साल का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है PWD कैटेगरी के कैंडिडेट को। अब इसमें बात करें आपकी क्वालिफिकेशन और आपके मंथली स्टाइपेंड के बारे में, तो यहाँ वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कर रखी है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस या IT से, साथ ही कैंडिडेट के जो हैं कम से कम 60% नंबर एग्रीगेट आए हों अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है जनरल या OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से, और कैंडिडेट के 50% नंबर एग्रीगेट आए हों अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है SC/ST या PWD कैटेगरी से। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ इस क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को पूरा करते होंगे वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी की वैकेंसियों को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे अप्रेंटिस के तौर पे, उनको मंथली स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा, तो जितने भी ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे उनको 25,000 रूपए महीने का स्टाइपेंड दिया जाएगा। यहाँ दोस्तों इस नोटिफिकेशन में उन्होंने एक क्रूशियल डेट और बताई है जो कि 1 जनवरी 2020 है। इस तारीख से पहले अगर किसी कैंडिडेट ने अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर रखी है तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि इन सभी अप्रेंटिस की वैकेंसियों पे सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिनकी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग जो है वो 1 जनवरी 2020 के बाद कंप्लीट हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इन सभी पोस्ट पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा वो इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाएगा, यहाँ कोई भी एग्जाम जो है वो कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा अप्रेंटिस की वैकेंसियों पे, उसमें आपके अकेडमिक्स के नंबर प्लस में आपका इंटरव्यू में क्या स्कोर रहा है, इन्हीं के बेसिस पे यहाँ अप्रेंटिसशिप के लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। अब दोस्तों इसमें आगे बात करते हैं कि HPCL में जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करेंगे उनको जो है इन फ्यूचर क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो आगे जो भी रिक्रूटमेंट निकलती हैं HPCL की तरफ से, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है HPCL में, उनको 2 बेनिफिट्स यहाँ मेनली दिए जाएंगे। एक तो जो आपका अप्रेंटिसशिप पीरियड रहेगा जो कि कुल 1 साल का है, उतनी ही उम्र का जो है यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके अलावा जो है वो 5% नंबर की एडिशनल ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के स्कोर में, यानी कि इन फ्यूचर अगर कोई कैंडिडेट जो है वो HPCL की किसी भी जॉब के लिए कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो क्लियर करता है उसको एडिशनल 5% नंबर की यहाँ पे छूट दी जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके अप्रेंटिसशिप पीरियड के बारे में। यहाँ जितने भी कैंडिडेट जो हैं इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत जो है सिलेक्ट किए जाएंगे, उन सबका जो अप्रेंटिसशिप पीरियड रहेगा वो 1 साल का रहेगा। यहाँ दोस्तों ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी की इन सभी वैकेंसियों के लिए कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं मांगी गई है, यानी कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो आप बिना किसी फीस पेमेंट के लिए यहाँ इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।